नमस्कार इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं बबिता। टेरर फंडिंग और ट्रेनिंग कैंप पर एनआईए का शिकंजा कसा है तो 11 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए और ईडी ने छापेमारी की है। तो छापेमारी में एनआईए ने 106 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ ही पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओएमएस सलाम भी गिरफ्तार हुए हैं। तो लखनऊ में भी एनआईए एटीएस की टीम ने छापेमारी की है, साथ ही छापेमारी में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। तो बड़ी खबर आ रही है, लखनऊ में भी एनआईए और एटीएस की टीम ने छापेमारी की और छापेमारी में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, टेरर फंडिंग और ट्रेनिंग कैंप पर एनआईए का शिकंजा कसा है। बड़ी छापेमारी की गई है 11 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए और ईडी ने छापेमारी की है। तो छापेमारी में एनआईए ने 106 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पर पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओएमएस सलाम भी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो लखनऊ में भी एनआईए और एटीएस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। तो छापेमारी में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। तो लखनऊ में भी एनआईए और एटीएस की टीम ने छापेमारी की है और छापेमारी में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। तो वही पूछताछ लगातार जारी है और एनआईए लगातार छापेमारी कर रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, टेरर फंडिंग और ट्रेनिंग कैंप पर एनआईए का शिकंजा कसा है। 11 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए और ईडी ने छापेमारी की है। तो छापेमारी में एनआईए ने 106 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ ही बड़ी खबर यह भी है कि पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओएमएस सलाम को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो लखनऊ में भी छापेमारी की गई है, एनआईए और एटीएस की टीम ने छापेमारी की है। तो लखनऊ से भी छापेमारी के दौरान एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो विवेक, टेरर फंडिंग और ट्रेनिंग कैंप पर एनआईए का बड़ा शिकंजा। जी बिल्कुल, जिस तरह से पूरे भारत में एनआईए की टीम ने, ईडी की टीम ने लोकल पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की, उसी के तर्ज पर राजधानी लखनऊ में सुबह के टाइम पर एनआईए की टीम की सूचना पर लखनऊ की पुलिस के साथ साथ ईडी ने भी छापेमारी की। साथ में पता, इंदिरा नगर के ए ब्लॉक में वसीम उर्फ बबलू नामक व्यक्ति था जो कि अपने पत्नी के साथ रहता था, वहां पे दर्जी का काम करता था और उसी से कुछ दूरी पर लवकुश नगर में उसका दोस्त रहता है। इन दोनों को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया गया और साथ ही लगातार पूछताछ चल रही है। सूत्रों की माने तो लगभग थोड़ी दूरी पर मध्यगंज इलाका है, लगभग वहां से 4-5 किलोमीटर, वहां पर भी लगातार एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है, संदिग्ध लोगों को उठा रही है। लगभग अभी तक जितनी भी सूचनाएं मिल रही है उन पर कैमरे पे कोई भी व्यक्ति बोलने को तैयार नहीं, लेकिन स्थानीय निवासी जो है उनके अनुसार लगभग सुबह के 4:30-5 बजे के आसपास पूरी टीम घर पहुंचती है, घर को पूरा छावनी में तब्दील कर देती है, जिसके बाद घर वालों से पूछताछ की जाती है और संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस से हिरासत में ले लिया। जी विवेक, क्योंकि छापेमारी के दौरान 106 लोगों की गिरफ्तारी बताई जा रही है, क्या संख्या अभी और ज्यादा बढ़ी है? जी, सुबह तक 10 ऐसे राज्य थे जहां पर छापेमारी की जा रही थी। जैसे जैसे छापेमारी का कार्य बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जिले भी बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद बंगाल में छापेमारी की गई, उसके बाद लगभग 106 से 107 लोग हो गए हैं और जितने भी संदिग्ध लोग हैं उनको एटीएस की टीम उठा रही है, कहीं ना कहीं एनआईए की टीम उठा रही है। 11 राज्यों की आप बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा किस राज्य में गिरफ्तारियां हुई है? जी, साफ तौर पर जिस तरह से केरल में 22 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, क्योंकि बताया जा रहा था कि केरल में जो पीएफआई उनकी जो लोग हैं वो ज्यादा सक्रिय थे, जिसको लेकर वहां पर छापेमारी की गई। 22 लोग सबसे ज्यादा वहां से जो हिरासत में लिए गए। तो अभी तक विवेक पूछताछ में कोई बात बड़ी सामने आई है? जी बिल्कुल, अभी तक पूछताछ का जो दौर है वो जारी है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है जो वसीम है इससे पहले जेल भी जा चुका है, क्योंकि जब 2019 में सीएनआरसी का जो दंगा हुआ था लखनऊ में, कहीं ना कहीं इसका भी उसमें हाथ था, तो इसको लेकर ये जेल भी जा चुका था। तो कहीं ना कहीं ये जो वसीम लखनऊ से उठाया गया, इससे क्या कुछ जानकारी निकलेगी वो तो देखने वाली बात। यानी विवेक, कहा जा सकता है काफी बड़ी कामयाबी आज जो है छापेमारी के दौरान मिली है ईडी को। जी एनआईए और ईडी की टीम को आज काफी बड़ी कामयाबी मिली है।
जी बिल्कुल, जिस तरह से पूरे भारत में एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है, कहीं ना कहीं कैस लगाया जा रहा है कि एक भारत में होने वाले, क्योंकि इससे पहले कई ऐसे भाषण वायरल हुए थे जिसमें कि भारत को मुस्लिम राज देश बनाने की बात कही जा रही थी, तो उसके तर्ज पे लगातार एनआईए, ये एक दिन की बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं एनआईए काफी दिन से मुखबरी कर रहा था, इन लोगों की पता कर रहा था कि पीएफआई में कैसे फंडिंग होती है, कौन कौन लोग इसके साथ है, पूरी लिस्ट तैयार की गई, जिसके बाद प्रत्येक राज्यों में एक ही समय पे सुबह के समय छापेमारी की गई और जो संदिग्ध लोग थे उनको बिना बताए उठा ले गए, और साथ ही जब स्थानीय निवासियों को पता चला तो मोहल्ले में आसपास पड़ोस में हड़कंप जैसा माहौल तैयार हो गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वही वाराणसी से बड़ी खबर, पीएफआई के ठिकानों पर एटीएस का छापा, तो पीएफआई के दो लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, तो वही एटीएस दोनों लोगों से अब पूछताछ कर रही है। तो देश भर में एनआईए की टीम पीएफआई के ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर वाराणसी से भी आपको बता रहे हैं, जहां पर पीएफआई के ठिकानों पर एटीएस ने छापेमारी की है और पीएफआई के दो लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो एटीएस दोनों लोगों से अब पूछताछ कर रही है। देश भर में एनआईए की टीम पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। वहीं से पहले हमने आपको बताया कि किस तरह से लखनऊ में भी गिरफ्तारी हुई है, और वहीं एनआईए की टीम जो है लगातार छापेमारी कर रही है, ईडी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है, एटीएस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। तो 106 लोगों को अब तक हिरासत में ले लिया गया है। वहीं पर जिस तरह से हमारी संवाददाता ने बताया है कि संख्या और ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो लगातार एटीएस की टीम और जो ये एनआईए की टीम है वो काफी सक्रिय नजर आ रही है। तो वाराणसी से भी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो पीएफआई के ठिकानों पर एटीएस ने छापेमारी की है, जिसमें पीएफआई के दो लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं पर पुलिस अब इनसे लगातार पूछताछ कर रही है कि कहां कहां इनके नेटवर्क फैले हैं, कहां कहां इनके लोग हैं जो इस तरह से फैले हुए हैं, जो इन ऐसे ठिकानों का सहारा ले रहे हैं, तो इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं, तो देश विरोधी गतिविधियां कहां कहां चल रही है। तो वहीं पर लगातार जो है एटीएस के द्वारा, एनआईए के द्वारा, ईडी के द्वारा लगातार छापेमारी चल रही है। तो वहीं हमने आपको यह भी बताया 106 अभी तक गिरफ्तारी हो गई है, तो लखनऊ में भी एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं आपको वाराणसी से भी बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर पीएफआई के ठिकानों पर एटीएस ने छापेमारी की है और पीएफआई के दो लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। तो वहीं एटीएस की टीम अब दोनों ही लोगों से पूछताछ कर रही है, उनके नेटवर्क के बारे में जानने की कोशिश कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि देश में आखिर किस किस ठिकानों में ये लोग छुपे बैठे हैं। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, इससे पहले हमने अभी खबर बताई थी लखनऊ से भी गिरफ्तारी हुई है, और अब वाराणसी से बड़ी खबर कि पीएफआई के ठिकानों पर एटीएस की टीम ने छापेमारी की है। देखिए, आज देर रात ही यहाँ पे एटीएस के साथ एनआईए की टीम और उसके साथ साथ आईबी के अधिकारी, मतलब अगर कहा जाए तो केंद्र और राज्य सरकार की इंटेलिजेंस से लेकर के जो फोर्सेस हैं वो तमाम लोग यहाँ पे मौजूद थे, और सुबह उन्होंने दो ठिकानों पे, आदमपुरा और जैतपुरा थाने के दो ठिकानों पे छापेमारी की और दो लोगों को हिरासत में लिया जो कि पीएफआई के यहाँ पे घोषित कार्यकर्ता थे, और उनको लेकर के अज्ञात स्थान पर एनआईए की टीम उनसे अब पूछताछ कर रही है। एटीएस की टीम उनके साथ में थी और साथ ही साथ स्थानीय पुलिस को भी बड़ी गोपनीय तरीके से इसमें शामिल करके इन दोनों को हिरासत में लिया गया है, और बिल्कुल अज्ञात स्थान पर इनसे पूछताछ की जा रही है। अगर देश भर की बात करेंगे तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं 106 से ज्यादा गिरफ्तारियों की खबरें आ रही हैं, जो दिल्ली से खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक उसमें से दो लोग बनारस के हैं, लखनऊ से भी गिरफ्तारी हुई है, उत्तर प्रदेश के कुल 11 शहरों में छापेमारी हुई है। तो अब ये धीरे धीरे करके ये कितना बड़ा है और अभी तक ये माना जा रहा है। अभिषेक, यहाँ पर सवाल ये भी उठ जाता है क्योंकि लगातार छापेमारियां हो रही हैं और इनका नेटवर्क कितना ज्यादा फैला हुआ है। देखिए, नेटवर्क की अगर बात करें तो छापेमारी का जो दायरा है वो 13 राज्य हैं, 100 से ज्यादा ठिकाने हैं, 106 से ज्यादा गिरफ्तारी है, तो ये अपने आप में समझने वाली स्थिति है कि कितना बड़ा नेटवर्क है इस संगठन का, और इस संगठन पे नजर कब से थी इसके बारे में अगर दर्शकों को बताना चाहे तो निश्चित तौर पे सीए एनआरसी का जब से प्रोटेस्ट शुरू हुआ था कोरोना के ठीक पहले, उसके ठीक बाद दिल्ली के दंगे हुए थे, उसके बाद कर्नाटक का हिजाब प्रकरण मामला था, उसके बाद महाराष्ट्र के अमरावती से लेकर के राजस्थान में जो दंगे हुए और मध्य प्रदेश के जो खरगोन में दंगे हुए या दिल्ली के दंगे हुए, इन तमाम जगहों पे जो पीएफआई के सदस्यों के डायरेक्ट लिंक सामने आ रहे थे, जो तमाम खबरें आ रही थी, उसी के बाद से ये तय माना जा रहा था कि एक बड़ी कार्यवाही कभी ना कभी एनआईए निश्चित तौर पर केंद्र की तरफ से होगी, क्योंकि ये केवल एक महज राज्य भर का मामला नहीं है बल्कि अभिषेक जो दो लोग पकड़े गए हैं वो कहां के बताए जा रहे हैं, और अभी तक पूछताछ में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है?
देखिए पूछताछ में क्या जानकारी बाहर आई है इसके बारे में बताना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही टॉप सीक्रेट मामला है, सीधा केंद्र की मॉनिटरिंग है एनआईए की, तो इसमें कोई भी स्थानीय सूत्र हमारे जानकारी नहीं देंगे कि बातचीत में क्या है। लेकिन हाँ, उन दोनों की तस्दीक ये बताई जा रही है कि वो दोनों इन्हीं थाना क्षेत्रों के रहने वाले थे और पीएफआई की गतिविधियों को वो संचालित करते थे। इधर बीच वाराणसी के लिहाज से अगर बता दूं तो इन दोनों की गतिविधियां जो पीएफआई ने जिस तरीके से ज्ञानवापी मामले में अपना स्टैंड रखा था और कोर्ट के आदेश को भी ताक पर रखते हुए आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, वो भी कहीं ना कहीं बनारस को संवेदनशील बनाता है और इन दोनों की गतिविधियां लगातार संदिग्ध थी। अगर बनारस के इनपुट्स की बात की जाए तो बनारस के जो इनपुट्स थे लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के या आईबी के सूत्रों के हवाले से मैं बता सकता हूँ कि तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा लोग निशाने पे हैं, राडार पे हैं, जिनकी आज या कल तो या तो गिरफ्तारी होगी या उन पर बकायदा नजर रखी जा रही है। काफी बड़ी जानकारी आपने अभिषेक हमें दी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं बिहार से बड़ी खबर, पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी, अररिया, पूर्णिया, औरंगाबाद में एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। तो देश भर में एनआईए की टीम पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। तो इससे पहले हमने बताया कि किस तरह से लखनऊ में छापेमारी की गई है, 106 लोगों को इससे पहले गिरफ्तार किया गया है, तो लखनऊ में भी छापेमारी की गई तो वहां पर भी एक संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई थी। तो वहीं वाराणसी की हमने खबर बताई कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो अब एटीएस उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। तो वहीं अब बिहार से भी बड़ी खबर, पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी हुई है। तो आपको बता रहे हैं कि अररिया में ये छापेमारी की गई है, पूर्णिया में की गई है और औरंगाबाद में एनआईए की टीम ने बड़ी छापेमारी की है। तो देश भर में एनआईए की टीम पीएफआई के ठिकानों पर अब छापेमारी कर रही है, तो लगातार इनकी गिरफ्तारियां हो रही है और अब इनसे पूछताछ जारी है कि इनका नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है, कहां कहां इनके लोग किन किन ठिकानों पर छुपे हुए हैं और किस तरह की गतिविधियां कर रहे थे, किस तरह के प्लान ये तैयार कर रहे थे। तो बिहार से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी हुई है। तो अररिया, पूर्णिया, औरंगाबाद ये वो जगह है जहां पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। तो पीएफआई पर लगातार एनआईए की टीम का शिकंजा कसता जा रहा है। तो देश भर में एनआईए की टीम अब सक्रिय हो चुकी है और पीएफआई के ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। तो इससे पहले हमने आपको बताया था कि किस तरह से लखनऊ में भी एक संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई थी, वहीं हमने ये भी बताया आपको कि वाराणसी में किस तरह से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया और पूछताछ जारी है कि कहां तक इनका नेटवर्क फैला है। और अब बिहार में भी छापेमारी हुई है, यानी कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से पीएफआई का नेटवर्क पूरे देश भर में फैला हुआ है, कहां कहां हर एक कोने में पीएफआई के लोग मौजूद है, देश विरोधी गतिविधियां जारी हैं। तो बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर, पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी हुई है, अररिया, पूर्णिया और औरंगाबाद में ये छापेमारी की गई है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रजनी भी हमारे साथ जुड़ गई है। रजनी, बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी, यानी पूरे देश में 10 राज्यों में ये छापेमारी चल रही है और बिहार के पूर्णिया औरंगाबाद में ये छापेमारी चल रही है। अहले सुबह से ये छापेमारी चल रही है, पीएफआई से जुड़े जो भी सदस्य हैं, चूंकि बिहार में ही पीएफआई का रूट मिला था और उस रूट के आधार पे जो आतंकी गतिविधियों के दस्तावेज मिले थे उसी के आधार पे ये छापेमारी शुरू हुई है। और अब ये छापेमारी आज अहले सुबह से बिहार के 3-4 जिलों में लगातार हो रही है, चूंकि पीएफआई के जुड़े हुए जो भी सदस्य हैं उनके जो ठिकाने थे उनके आवास की छापेमारी चल रही है और एनआईए की टीम पहुंची है अहले सुबह से और ये छापेमारियां चल रही है, उनसे जुड़े तमाम दस्तावेज और आतंकी गतिविधियों में शामिल जो भी इनके दस्तावेज है उस आधार पर ये छापेमारी हो रही है। बताते चलो कि 27 लोगों पर बिहार में एफआईआर हुआ था जिसमें से 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और पहले भी ये छापेमारी हुई थी, लेकिन जो बचे हुए लोग थे, चूंकि अमित शाह का दौरा है बिहार में कल और परसों, यानी सीमांचल इलाके में पूर्णिया और किशनगंज में अमित शाह का दौरा है और उसी को देखते हुए कहें तो खास अलर्ट जारी किया गया था और उसी के तहत ये छापेमारी। क्योंकि राज जी आपने बताया कि पहले भी गिरफ्तारी हुई है, तो आज जो छापेमारी की गई है उसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है अब तक? देखिए 27 लोगों पे एफआईआर दर्ज था जिनमें से 6 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी थी, 21 लोग बचे थे, तो उन 21 लोग थे वो 21 लोग गायब है, लेकिन उनके आवास पे और उनसे जुड़े जो भी तमाम उनके जो रिश्तेदार हैं उनके ठिकानों पे छापेमारी चल रही है, चूंकि उस उनके आवास और उनके उनसे जुड़े जो भी दस्तावेज मिले थे उसके आधार पर ये छापेमारी चल रही है, तो कोई भी चूक ना रह जाए ये कोशिश है। जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो यहीं के लोग हैं, लोकल लोग हैं या फिर बाहर से आए हुए लोग?
अब देखिए कुछ बिहार में जो गिरफ्तारी हुई थी उसमें बिहार और लखनऊ यूपी के लोग थे, लखनऊ के एक प्रोफेसर भी थे, यानी बिहार और यूपी के लोग थे। अब ये छापेमारी और चल रही है और इससे जुड़े और भी दस्तावेज बरामद किए जाने की कोशिश की जा रही है। बिहार में जो पकड़े गए थे शुरुआती दौर में वो बिहार और झारखंड के, यानी झारखंड के एक रिटायर्ड पुलिस के जवान थे और बिहार के एक शिक्षक थे और उसी के आधार पे ये छापेमारी शुरू हुई थी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि आपका इन तमाम जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज महिलाओं को लेकर खास सत्र का आयोजन किया गया है। तो इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज का पूरा दिन आपने माननीय महिला सदस्यों के लिए आरक्षित किया है, तो ये सभी अपनी बात रखेंगी, लेकिन शुरुआत में एक प्रारंभिक प्रस्तावन रखने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं। तो साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के अंदर बिना भेदभाव के पहले निर्वाचन से पुरुष और महिला को अपना मत देने का अधिकार है। आजादी के 75 साल के बाद आधी आबादी अपनी आवाज को इस सदन के माध्यम से प्रदेश की 25 करोड़ जनता तक पहुंचाएगी। के अंदर बिना भेदभाव के महिला हो या पुरुष, हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के प्रत्येक नागरिक को वयस्क मताधिकार का जो अधिकार दिया था, इसमें महिला और पुरुष के बीच में कोई अंतर नहीं था और हम सबको इस पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि महिला और पुरुष दोनों को भारत के अंदर पहले सामान्य निर्वाचन से अपना मत देने का पूरा अधिकार भारत ने लोकतंत्र अपनाने के बाद से देना प्रारंभ किया। वही यूपी के इटावा से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है, जहां पर भारी बारिश की वजह से चार अलग अलग इलाकों में दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। तो वहीं हादसों पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया और 4 लाख रुपए की राहत राशि देने का निर्देश जारी किया है। तो इटावा से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर इटावा में बारिश का कहर देखने को मिला है, तो दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई है, तो 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं इस घटना के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना दुख जाहिर किया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है और 4 लाख रुपए की राहत राशि देने का निर्देश जारी किया है। तो योगी आदित्यनाथ ने इस पर दुख जताया है, तो इसी के साथ ही 4 लाख रुपए की राहत राशि देने की उन्होंने बात कही है और निर्देश भी जारी कर दिया है। तो इटावा से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर इटावा में भारी बारिश का कहर देखने को मिला, दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तो इटावा की ये तस्वीरें हैं जहां पर बारिश का कहर देखने को मिला है। तो बारिश के चलते, भारी बारिश के चलते आपको तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तो दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई है, तो 6 लोग घायल हो गए हैं। रात को लगभग 1:30 बजे के समथिंग पेट्रोल पंप जो RLT कॉलेज के सामने है, भाटिया पेट्रोल पंप के नाम से, उसके पास में ही मेरे ताऊ जी मकान बना के रहते हैं, बगल में वो अपनी झोपड़ी में सो रहे थे, दादा और दादी दोनों लोग। रात को लगभग 1:30 बजे दीवार गिरी, तो ताऊ जी को पता चला तो उन्होंने बाहर निकल के देखा कि वो लोग उसके अंदर दीवार से दब गए थे। अभी ग्राम कृपालपुरा से एक वृद्ध और एक महिला वृद्ध, दोनों वृद्ध लोगों की मृत अवस्था में बॉडी लाई गई है। इसका कारण पेट्रोल पंप की दीवार का गिरना बताया जा रहा है और सबों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पानी बरसात की वजह है और तो कोई वजह नहीं। दीवार गिर जाने से 4 बच्चों की डेथ की सूचना हम लोगों को लगभग 3:15 बजे के आसपास में मिली है। उसी घटनाक्रम में हम लोग यहाँ आए हैं, तो एक महिला हैं आई थिंक जिनको दादी बताया जा रहा है। डिटेल सभी कन्फर्म हो पाएंगी जब और लोग इसमें अपना वर्जन देंगे, बट दादी बताई जा रही है। उनके साथ एक बच्चा जो और है वो अभी ठीक है, उसके अलावा 4 बच्चों की यहाँ पर डेथ हुई और अभी हम लोग मौका जाके देख रहे हैं। प्रथम दृष्टया यही समझ में आ रहा है कि जो दीवार थी उसके गिरने से और उसकी जो ट्रॉमा हुई है उसकी वजह से 4 बच्चों की डेथ हुई है। तो इटावा से एक खबर है, जहां पर इटावा में बारिश का कहर देखने को मिला है, तो बारिश के चलते दीवार गिर गई जिससे 7 लोगों की मौत हुई है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिनेश जुड़ गए हैं। तो दिनेश, क्या है पूरी खबर?
देर रात से जिस तरीके से घनघोर बरसा इटावा में बदस्तूर जारी है, उसके चलते अब तक की सूचना के मुताबिक पूरे जिले भर में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। सिविल लाइन इलाके में 4 लोगों की मौत हुई है। चंद्रपुरा गांव में एकदिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत कृपालपुरा में दंपत्ति की मौत हुई है। बकेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अंधावा बंगलन गांव में एक मजदूर की दर्दनाक मौत हुई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत पथवरिया मोहाल में अब से कुछ देर पहले हुए एक जर्जर मकान के हादसे में उसमें 3 मासूम बच्चों की मौत हुई है, जिनकी उम्र बमुश्किल 3 से लेकर के 9 साल की आसपास है। 2 लोग इसमें घायल हुए हैं। तो आज का दिन इटावा के लिए ये कह सकते हैं कि बरसात जो है मौत की बरसात बन करके सामने आई है। और बिल्कुल, अब बिल्कुल दिनेश, हम तस्वीर भी देख रहे हैं, काफी दुखद ये खबर है, काफी ज्यादा उनके परिवार वालों के लिए काफी बड़ा और काफी दुखद दिन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं प्रयागराज से बड़ी खबर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। तो यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि को लेकर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी। तो आमरण अनशन पर बैठे हैं ये छात्र, तो आमरण अनशन पर बैठे छात्रों ने खूब बवाल भी किया है। तो यूनिवर्सिटी छात्र संघ भवन एंट्री गेट का ताला भी तोड़ा गया है। तो यूनिवर्सिटी छात्र संघ भवन में जो एंट्री गेट था उसका ताला तोड़ा गया है। यूनिवर्सिटी के चीफ प्रोक्टर और पुलिस ने छात्रों की नोकझोंक भी हुई है। तो नोकझोंक के बाद जो है छात्रों के बवाल से यूनिवर्सिटी परिसर का माहौल अब तनावपूर्ण हो गया है। तो भारी संख्या में पुलिस बल को यहां पर तैनात कर दिया गया है। तो प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। आमरण अनशन पर बैठे छात्रों ने बवाल किया है। तो यूनिवर्सिटी छात्र संघ भवन एंट्री गेट का ताला भी तोड़ा गया है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सोएब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोएब, प्रयागराज से बड़ी खबर है क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कब से छात्र बैठे हुए हैं, तो काफी बवाल भी चल रहा है वहां पर। बिल्कुल, निश्चित तौर पर करीब आज 16 दिनों से ज्यादा से हो चुका है, क्योंकि लगातार जो छात्र हैं वो जो फीस वृद्धि हुई है उसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आज भी जो छात्र भवन है, जो मुख्य द्वार है यूनिवर्सिटी का, उसी के पास ही है, उस के आसपास जो सुरक्षा कर्मी है उनसे छात्रों की नोकझोंक हुई है। बाकायदा गेट को खुलवाया है, उसमें क्योंकि ताला लगा रहता है उसको जबरन खोला है छात्रों ने। तो कह सकते हैं कि लगातार तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं, छात्र अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से भी कोई इस तरह का पहल नहीं हुई जिससे लगे कि इस जो दो धड़ों के बीच में तनाव चल रहा है उसमें कोई रास्ता निकले। लेकिन आज भी तनावपूर्ण हालात हैं और अभी भी बड़ी संख्या में वहाँ पे पुलिस बल मौजूद है, छात्र मौजूद हैं। तो कह सकते हैं कि ये हालात लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन में पिछले 15-16 दिनों से बने हुए हैं। जी बिल्कुल, नजर इस पर भी है कि प्रशासन की ओर से कब कुछ पहल की जाएगी, यूनिवर्सिटी के जो परिसर के जो प्रबंधन है उनकी तरफ से क्या कुछ पहल की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।